मैं चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकता, मैं चाह कर भी इसे नहीं खा सकता, मैं चाह कर भी यह नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं चाह कर भी। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। मैं चाह कर भी इसे नहीं कर सकता, तो सबसे पहले आप कहेंगे आई कांट डू दिस, यानी मैं इसे नहीं कर सकता। उसके बाद चाह कर भी के लिए आप कहेंगे इवन इफ आई वॉन्ट टू, तो पूरी बात ऐसे होगी आई कांट डू दिस इवन इफ आई वॉन्ट टू, यानी मैं चाह कर भी इसे नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट लिव हेयर इवन इफ आई वॉन्ट टू, यानी मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मैं चाह कर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट बियर दिस इवन इफ आई वॉन्ट टू। मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। मैं चाह कर भी यह नहीं खा सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट ईट दिस इवन इफ आई वॉन्ट टू। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे मैं चाह कर भी इसे नहीं खा सका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुडंट ईट दिस इवन इफ आई वॉन्टेड टू, यानी आप अपने पहले सेंटेंस में कैन के जगह पर बोलेंगे कुड और दूसरे सेंटेंस में आप वॉन्ट के जगह पर बोलेंगे वॉन्टेड। मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सका आई कुडंट गो देयर इवन इफ आई वॉन्टेड टू। मैं चाह कर भी पैसा नहीं बचा सका, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुडंट सेव मनी इवन इफ आई वॉन्टेड टू। बाय द वे, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए, जैसे आप चाह कर भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कांट लर्न इंग्लिश इवन इफ यू वॉन्ट टू। आप चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, यू कांट हेल्प मी इवन इफ यू वॉन्ट टू। वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कांट लिव हियर इवन इफ ही वॉन्ट्स टू, यानी वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता है। अगर इस सेंटेंस को आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप कहेंगे वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सका ही कुड नॉट लिव हियर इवन इफ ही वॉन्टेड टू, यानी वह चाह कर भी यहाँ नहीं रह सका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो चाह कर भी तो प्रेजेंट टेंस में आप इवन इफ आई वॉन्ट टू और पास्ट टेंस में कहेंगे इवन इफ आई वॉन्टेड टू। अगर आपका सब्जेक्ट तुम है तो आप प्रेजेंट टेंस में कहेंगे इवन इफ यू वॉन्ट टू और पास्ट टेंस के लिए आप कहेंगे इवन इफ यू वॉन्टेड टू। और बाय द वे, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट टेंस में आप कहेंगे इवन इफ ही वॉन्ट्स टू या इवन इफ सी वॉन्ट्स टू और पास्ट टेंस में आप कहेंगे इवन इफ ही वॉन्टेड टू या इवन इफ सी वॉन्टेड टू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।